हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 वॉक मैथ। इससे पहले हम 3.2 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ए पार्ट इज 25 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वैसे तो हमारे मालूम 25 ओरली डायरेक्ट बता सकते हो 5 होता है ना, लेकिन इसे हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए, अगर हमें सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है तो क्या करते हैं, जिस नंबर का भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसमें से हम ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1। तो 25 में से आप फर्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, 25 माइनस 1 इज इक्वल 24। फर्स्ट स्टेप हो गया ये। अब जो भी रिमाइंडर आपका बचा, 24 बचा, 24 नेक्स्ट स्टेप में लिखिए। अब इसमें से 1 के बाद सक्सेसिव लगातार कॉन्सिक्यूटिव, समझ लो आप कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3। 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा, 21। अब 21 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 के बाद क्या आता, 5। कितना आया आंसर, 16। अब 16 में से 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7, तो क्या आ गया, 9। अब 9 में से 7 के बाद ऑड नंबर क्या है, 9। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा, 0। तो हम जब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, फाइनल 0 आ गया। तो ये कितने स्टेप में हुआ, ये स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, 5 स्टेप में हुआ। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 5। ओके, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, स्टेप फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव स्टेप, या फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, कितने टाइम्स में आके रिजल्ट 0 आया, 1 टाइम, सेकंड टाइम, ये 3 टाइम्स में यहाँ तक आ गए हम, 4 टाइम्स में स्टेप लिख दो या टाइम्स लिख लो उससे कोई फर्क नहीं है, और 5 टाइम्स आपके बुक में टाइम्स लिखा हुआ है, वैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव स्टेप, ऐसे। तो हमने देखा कि वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, कितने बार हम सब्ट्रैक्ट करा 0 लाने के लिए, 5 टाइम्स। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख दो, वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन कितने टाइम्स, जितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही इसका आंसर होगा। 5 टाइम्स करा तो स्क्वायर रूट्स कितना हो गया, सो स्क्वायर रूट का सिंबल तो ये होता है 25 इज 5, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड है लेकिन थोड़ा लेंदी मेथड है, छोटा सा नंबर है। आपको अगर मैं कह दूं कि 144 का तो स्क्वायर रूट निकालो 12 होता है ना, 625 का 25 होता है, तो आप 25 स्टेप से लिखोगे, छोटे नंबर के लिए सही है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो पता होना चाहिए कि यहाँ ये भी कोई मेथड है। बाकी तो हम लोग किससे, डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर निकालेंगे। नेक्स्ट है 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो समझिए 7 टाइम्स हमें ऐसे लिखना है। चलिए करते हैं 49 का। B इज 49, तो फर्स्ट स्टेप हमने 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, 48। 1 के बाद 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45। 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5। 40 आ गया। अब 40 में से 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7 है, 7 सब्ट्रैक्ट करा, 33। 33 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 24। अब 24 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13। 11 के बाद ऑड नंबर 13 है, 13 में से 13 सब्ट्रैक्ट करा, 0। कितने स्टेप में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, सो 49 का स्क्वायर क्या हो गया, 7, ठीक है ना। तो लिख दो, बी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 7 टाइम्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल 7। ओके, समझ में आ गया होगा। अब सी है 121। अब 121 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कितना होता है, 11, है ना। तो ये 11 स्टेप में जाके रिमाइंडर 0 आएगा। हम जब ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 120। अब 120 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो 117। 117 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, 112। 112 में से 5 क्या, 7 सब्ट्रैक्ट करना है,
105 में से 9 सबट्रैक्ट करना है, तो 96 हुआ ना, हाँ 96 और 96 में से 11 सबट्रैक्ट करेंगे, 85 में से हमें 13 सबट्रैक्ट करना है, तो 72 में से कितना 15 सबट्रैक्ट करना है, तो कितना बचा 57 है ना। अब 57 में से हम 17 सबट्रैक्ट करेंगे तो 40 में से 19 सबट्रैक्ट करेंगे 21, और 21 में से 21 सबट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। तो देखो ये 11 स्टेप में हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा, बी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 11 टाइम्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। ओके क्लियर, मेरी निगाह ऊपर चली गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था कि मैंने स्पेलिंग परफॉर्म की ऊपर क्या लिख दिया है, PERP लिख दिया है ना, ये तो आप जानते हैं ऐप होता है, इसे ऐप कर लेना परफॉर्म, और कुछ नहीं देखा था मैं। ओके नाउ नेक्स्ट 169। अब 169 किसका होता, इसका स्क्वायर रूट आपको ओरली मालूम है, 13 स्टेप में आएगा। चलिए करते हैं 169, देखिए 169 में से हमने 1 सबट्रैक्ट करा तो 168 सबसे पहला ऑड नंबर। अब जो रिजल्ट आया 168, इसमें से 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 3 आता है, इसको सबट्रैक्ट करा 165। अब 165 में से 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5, तो ये आ गया 160। अब 160 में से 5 क्या 7 आता है, तो 153। क्लियर ना, तो हमें लगातार जितने भी ऑड नंबर सब सबट्रैक्ट करते चलो, 153 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे तो 144, फिर 144 में से माइनस 11 तो कितना हो गया 133। 133 में से 13 को सबट्रैक्ट करो, 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 आएगा तो 120 से 15 सबट्रैक्ट करा तो 105। अब 105 में से कितना 17 सबट्रैक्ट करें तो कितना हो गया, 105 से हम जब 17 सबट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया, 15 में से 7 सबट्रैक्ट करा 8, और 9 में से 1 गया 88। अब 88 में से 17 के बाद क्या आएगा, 19, तो कितना बचा ये 18 में से 9 गया 9, और 7 में से 1 गया 669। 69 से 21 48। ओके अब 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 23, तो 48 में से हम 23 सबट्रैक्ट करेंगे तो 25। अब 25 में से 23 का ऑड नंबर 25, तो 0 आ गया। तो देखें कितने स्टेप में ये 0 आया, देखिए 168 से था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप में, तो बी परफॉर्म कितने टाइम्स करा ये 13 स्टेप हमने सब्ट्रैक्शन करा। बी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 13 टाइम्स, सो अंडर रूट ऑफ 169 इज 13। ओके तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग देयर वंस एंड 10 डिजिट्स। चलिए करते हैं ये भी। तो फर्स्ट पार्ट इज 2304, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, और किसको यूज करना था बताया था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग देयर वंस एंड 10 डिजिट्स। तो इसमें होता क्या, देख रही है इसकी वन प्लस डिजिट्स क्या है, 4 है ना। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट्स वाली हमने आपको जब वीडियो सेंड करी थी उसको आप देखना पहले, अगर भूलियो रूट 4 कब हो सकता है, तो किस नंबर के स्क्वायर में 4 आता है, या तो 8 हो, 8 या 64 या 2 हो, ठीक है ना।
तो इसमें हम ये देखते हैं, यानी कि ये जो भी नंबर होगा उसका वन प्लेस डिजिट्स या तो टू होगी या एट होगी, है ना। तो इसमें पहले हम लिख देते हैं, कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो लिखते हैं। ओके चलो लिखते हैं, छोटी छोटी लैंग्वेज लिख लो। वन डिजिट्स ऑफ 2304 इज 4, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट्स वन डिजिट्स क्या होगी, पॉसिबल लिख दूं, हाँ ओके। तो लिखो सो द पॉसिबल वन डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट आइदर टू और एट, समझिए ना, क्योंकि टू का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट में 4 तभी आ सकता है जब नंबर में 2 हो या 8 हो। अब 10, ये तो 4 हो गया 04, अब ये ले लो पेयर कितना है 23, 23 का किसका स्क्वायर हो सकता है, एक ऐसा नंबर आप थिंक करो उसका स्क्वायर या तो 23 हो या 23 से कम। 4 जा 16, 5 जा 25, 5 तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया 25, है ना, तो 4 लिखेंगे। तो हमें क्या देखना है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्या बात है भाई, स्टेप की स्पेलिंग स्टेप सेकंड, कंसीडर ये टू डिजिट वाले नंबर देखो लास्ट के, कंसीडर 23। अभी 23 क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड 5 इज 25, तो है ना, तो स्क्वायर 23 क्या लिखूं, स्क्वायर करके लिखूं, हाँ स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, और 25 क्या है 23 से ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर 23। तो हमें कौन सा होगा, 5 से छोटा नंबर कौन सा लेंगे, 4, सो वी विल टेक 4, है ना, तो 4 हम नंबर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर इज 16, तो पॉसिबल जो स्क्वायर रूट्स है तो क्या होगा, सो द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर आइदर 4 आया, और हमने नंबर कौन कौन से लिखे वन प्लेस में, एक तो लिखा था या तो 2 हो सकता है या 8, यानी कि 42 होगा या 48, 42 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों नंबर हमें निकालने पड़ेंगे, हम चेक करेंगे इसमें, ये तो बस ये हमारा तो अंदाज चल रहा है, ये दोनों काम करना है जिससे ये आंसर आ जाएगा 2304, वैसे किसका था 48 का होता है ना, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट लिखा है, स्क्वायर रूट लिखा तो स्क्वायर मत लगाओ, है ना, स्क्वायर रूट में तो ये होगा। अब हम 42 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो नाउ 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर किस किस को याद है भाई, हमने कई बार बोला है 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 42 का स्क्वायर होता है 1764 एंड द स्क्वायर ऑफ 48 इज 2304, तो हमें 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो क्या आया 48 से आया, तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा 48, सो अंडर रूट 2304 की वैल्यू क्या होगी 48, ओके। अभी लगता है नहीं समझ में आया, और सवाल करते हैं, लैंग्वेज और क्लियर से लिखवाते हैं आपको। इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3969 का, तो आप पूरी लैंग्वेज लिखना सीख लीजिए, ऐसे लिखो आराम से। स्टेप फर्स्ट, इसका सबसे पहले हमें रूल्स क्या था, वन एंड टेन डिजिट चेक करना है, तो वन डिजिट चेक करो, सबसे पहले क्या है, वन डिजिट से 9, है ना, तो 9 कब आती है, या तो 7 हो, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, वन डिजिट्स में पूरी लैंग्वेज लिख देता हूं उसमें, ठीक है ना, आप वन डिजिट लिखिए इसकी, वन डिजिट्स ऑफ 3969 इज 9, सो पॉसिबल डिजिट्स क्या होगी, हमने दो बताई, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर, तो सो द पॉसिबल, सो द पॉसिबल वंस डिजिट्स एट द स्क्वायर, पॉसिबल वन डिजिट्स
एट द स्क्वायर रूट्स इज आइदर 3 का स्क्वायर 9 होता है 3 और 7 का स्क्वायर 9 होता है 7। तो इसके स्क्वायर रूट्स में 100% लास्ट में वन प्लेस या तो 3 हो गया या 7, ये चेक हो गया। अब लास्ट के टू नंबर देखो 39, ठीक है ना, 39 है। चलिए इसे भी लिख देते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करना है, नाउ कंसीडर लास्ट के टू नंबर कौन से, 39। नाउ कंसीडर 39, ठीक है ना। तो स्क्वायर ऑफ 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है भाई, 6 से बड़ा 7 का स्क्वायर हो, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 49 तो कम है, तो 6 का स्क्वायर ही होगा 36, है ना। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 और 36 क्या है, इससे लेस है, विच इज लेस देन, लिखना चाहो लिख दो वरना आप ओरली सकते हो, विच इज लेस देन 3 ऑफ 39, इससे बड़ा तो आना चाहिए। नेक्स्ट देखें भैया, 6 है 7 का स्क्वायर देखें, एंड स्क्वायर ऑफ 7 या शॉर्ट में आप 7 स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, यहाँ 3 का डिफरेंस है 4 का, 49 तो बड़ा हो गया, तो ये नंबर नहीं होगा। जब ये नंबर नहीं होगा यानी कि 10 प्लस डिजिट क्या होगी, दिस मीन्स द डिजिट्स एट 10 प्लेस एज कितना रहा, 3 नजदीक है, सॉरी 6, तो 10 प्लेस की डिजिट 6 हो गई और 1 प्लेस की या 3 है या 7 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज आइदर 63 क्योंकि 1 प्लस 3 या 7 है या और 67। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, हम 63 का स्क्वायर निकाल के देखें कितना आता है। 63 का किसको याद है, नहीं याद, 63 का स्क्वायर होता है 3969 हो गया, ये आंसर चाहिए था 3969 आ गया। चलो दूसरा भी निकाल देते हैं और 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर होगा 67 इंटू 67 में कर लेता हूँ यहाँ पर, तो 4489, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल 63। ये ओरली है, वो तो लैंग्वेज देखने में बहुत हमें टाइम लग गया, ओरली कर मतलब इजीली हो जाता है, समझ में आ गया ना। वन प्लेस डिजिट्स देखो, ये तो पता है आपको, फोर प्लेस डिजिट्स का स्क्वायर रूट टू डिजिट्स में आता है, तो इस स्क्वायर रूट की वन प्लेस डिजिट्स क्या होगी, ये 9 आ रहा है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का या 7 का, तो लास्ट में 100% है तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। फिर लास्ट के टू पेयर देख लो, 36 39 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 49 तो ज्यादा हो गया, तो 6 तो 63 या 67 होगा, बस इनका स्क्वायर कर लो, जिसके भी आंसर आ रहा है वो इसका स्क्वायर रूट होगा, इतनी सी बात है। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, नंबर इज 8281, तो 1 डिजिट्स क्या, 1, तो 1 किसका होगा, आइदर 1 और 9, तो 1 प्लस डिजिट तो डिसाइड हो गई इसकी यहीं स्क्वायर रूट में। देखो बहुत सिंपल होता है, लिखने में टाइम लगता है, तो हमें मालूम पड़ गया 1 होगा या 9 होगा। अब 82, 9 9 या 81, तो बस क्लियर हो गया, या तो 91 होगा या 99, 91 का स्क्वायर ये होता है, तो 91 आ गया, बस इतना सा है, वो तो लिखने में टाइम लग रहा है, तो हमें क्या लिखेंगे, जल्दी लिख देता हूँ मैं, 1 डिजिट्स ऑफ 8281 इज 1, सो द पॉसिबल, कुछ तो लिखोगे आप, सो द पॉसिबल वन डिजिट्स इज, वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट आइदर, बताया था क्या, 1 और 9, आइदर 1 और 9, तो 1 प्लस डिजिट्स हो गया। अब हमें क्या लेना है, 82 देना है, तो 82 क्या होगा, 82 9 का स्क्वायर 81, 9 9 जा 81 और 10 का 100, 100 ज्यादा होगा, 81 इसके क्लोज है, तो 9 हो जाएगा, है ना। स्टेप टू में लिख लें, नाउ कंसीडर, स्टेप फर्स्ट था, सेकंड स्टेप सेकंड, नाउ कंसीडर, कंसीडर कितना ये 82, तो ये स्क्वायर ऑफ 9
एज 81। नेक्स्ट स्टेप का भी देखना चाहिए जो क्लोज हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि 10 82 आया तो 10 का स्क्वायर 100 है, तो जरूरत ही नहीं है, खाली सी काम हो गया। स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, बस इतने लें दो। तो दिस मीन्स 10 डिजिट्स क्या होगी, 10 डिजिट्स इज 9। तो इस कितना पॉसिबल क्या है, द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर रूट, मैंने लैंग्वेज बहुत कम कर दिया, द स्क्वायर रूट्स ऑफ क्या नंबर था 8281 आइदर 10 प्लस डिजिट 9 माना, और लास्ट में क्या आएगा, क्या लिखा था 1 और 9, 91 और 99। हमें करना क्या है, इन दोनों के स्क्वायर निकालने हैं। 91 का स्क्वायर होता है 8281, 99 का स्क्वायर, ये मैं निकाल के देखता हूं कितना होगा, 99 इंटू 99 ये आ गया 9801। तो हमें ये चाहिए था, ये 91 के स्क्वायर मारा है, सो इसकी जरूरत नहीं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 8281 इज 90। क्लियर, समझ में आ गया है ना, वो लैंग्वेज दिख रहे हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है, वैसे तो बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट डी पार्ट, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 78400। ओके चलिए इसको करते हैं नाउ, 78400। अब देखो ये फाइव, ये पहले आपको मालूम चाहिए कि स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स का होता है, ये फोर डिजिट से बड़ा आ गया, तो इसको पहले समझ लो। देखो ग्रुप बनाओ टू, तो जितने ग्रुप बन गए और जो रह गया, तो 1 2 3, इसका स्क्वायर रूट थ्री डिजिट्स का होगा, है ना। वन डिजिट्स क्या है, अगर लास्ट में 20 हो तो इसका रूट्स में सिंगल जीरो आता है, प्रॉपर्टी पता हुआ। तो यूनिट डिजिट्स तो क्लियर हो गई इसकी, 10 आएगा यानी कि सिंगल जीरो, वन प्लस डिजिट्स तो जीरो होगी। तो वन डिजिट्स चलो करते हैं से भी, वन डिजिट्स एज 0, इसकी वन डिजिट 0 है, सो द पॉसिबल नंबर एक ही है, सो द वन डिजिट्स पॉसिबल जरूरत नहीं है, 100% ये होगा तो पॉसिबल सब हटा दो उसमें से, सो द वन डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट इज 0। ओके ये दो जो 0 का काम खत्म। अब 84 लास्ट में आ रहा है 4, है ना, तो 4 है तो 10 प्लस डिजिट्स क्या होगी, 10 प्लस डिजिट्स में हम कंसीडर कर रहे हैं 84। चलो लिख देते हैं सेकंड स्टेप, कंसीडर 84, है ना, और 84 का भी हमें केवल लास्ट डिजिट है 4, तो 4 है तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 4 होता है ना। अब ये नहीं कि 84 है तो आप डायरेक्ट 8 जा 64 और 9 जा 81 लिख दें और कैरी 3 इसमें ऐड कर दें, ऐसे नहीं, इसका लास्ट डिजिट देखिए 4 है, और 4 कब आएगा, या तो 2 हो लास्ट में या फिर 8 हो तभी तो आएगा 4, इसके अलावा 4 आता नहीं है। कंसीडर 84, तो इसमें क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ किस किस का होता है, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 और 8, 2 का 4 होता 8 इज 64। तो लास्ट में हमें पता चल गया कि 10 डिजिट्स क्या होगी, 10 जो स्क्वायर रूट होगा उसके 10 प्लस डिजिट्स या तो 2 होगी या फिर 8 होगी, यहां तक क्लियर। अब क्या रह गया, 7, तो 7 के लिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 3 तो ज्यादा हो गया, 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 2 का तो 100 प्लस का देखेंगे, थर्ड स्टेप कंसीडर 7, ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इस कंडीशन आप दोनों चेक कर सकते हो, तो पॉसिबल जो नंबर हुआ, पॉसिबल नंबर हुआ अगर हम यही ले लें 2, तो 2 और क्या है 8 और लास्ट में तो 0 ये होगा, और 260 ये होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको लेना चाहते हैं 3 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 क्यों नहीं लेंगे, ये तो 7 से अधिक हो गया, समझ में आ गया, तो 2 रहेगा, तो इन दोनों में से किसी का स्क्वायर रूट होगा जो नंबर है। तो नाउ 280 का स्क्वायर और 260 का स्क्वायर फाइंड करें। 280 का स्क्वायर होता है 78400 जो हमारे पास नंबर है, और 260 का स्क्वायर होगा 260 into 260, जरूरत क्या 560 का 26 और 576 होता है 57600। तो देखो कितना गया, 78400 चाहिए था हमें, तो
तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 280। सो स्क्वायर रूट ऑफ 78400 यानी कि 78400 इज 280। क्लियर? तो ये हर किसी नंबर, ज्यादा नंबर बड़ी डिजिट्स होगी तो प्रॉब्लम आएगी निकालने में, फोर डिजिट्स तक तो ये सही रहता है। इतनी देर में तो आप लोग लॉन्ग डिविजन मेथड या प्राइम फैक्टराइज मेथड से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्वायर रूट्स, पूरी एक्सरसाइज स्क्वायर रूट्स की है, हमने दो मेथड सीखे, अब थर्ड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये इजी होता है, थोड़ा लेंदी होता है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 529 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम एलसीएम वगैरह अपने निकालने हैं, बस वही करना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। और हमने आपको कई बार बोला है, हर बार हम बोल देते हैं स्क्वायर रूट से पढ़ाते हैं, स्क्वायर बताते हैं कि स्क्वायर आपको 50 नंबर तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई नंबर जैसे 529 है, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो हम सोचते रहेंगे 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से, बहुत छोटे बहुत टाइम लगाएंगे। और हमें अगर याद होता है तो ये 23 का होता है, और 23 क्या है, प्राइम नंबर, तो हमें मालूम है 23 से पहले जाएगा ही नहीं, और 23 का 23 टाइम्स जाएगा, तो ईजी हो गया, बनना सोचते हो। ओके, तो बस स्क्वायर रूट्स ऑफ 529 क्या होगा, 23 × 23 पेयर बनाते हैं, और पेयर स्क्वायर रूट से एक प्राइम नंबर भरा जाता है, एक प्राइम फैक्टर रहता है 23। तो इसका ये स्क्वायर रूट्स का सिंबल कहलाता है, तो स्क्वायर रूट्स ऑफ 529 इज 23। सेकंड 5184 वही काम करना है, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। वैसे किसका होता है, ये 72 का होता है, अब 2 से डिवाइड होगा, 25 × 50 और 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 12 × 24 कैरी 1 = 19 हो गया, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 2 टू से 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 कैरी 1 × 2 = 16 अगेन 2 से 32 = 64 हो गया, 2 × 4 = 324 2 से दिया 162 टाइम्स, ठीक है नहीं गलत है, अभी गड़बड़ हो जाता है शायद, क्योंकि 6 हाँ नहीं सही है, सही सही है, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = सही है, फिर 2 से 2 × 8 = 2 और 81 3 का 7 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स सॉरी, 3 से दिया 27 × 3 = 81, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ओके, तो क्या आया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5184 यानी कि 5184, ये आया 2 है, 1 2 3 4 5, 6 टाइम 2 है, दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 और 3, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 3 आया है आपका 4 टाइम्स। तब पेयर बनाओ, यानी कि 2 सेम प्राइम फैक्टर के पेयर बना लो, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर 3 बन गया, 2 का पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो एक पेयर से एक प्राइम नंबर आ जाता है, स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाता है, हर पेयर में से एक एक नंबर ले लो, इन सब का मल्टीपल कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 24, 3 × 72 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 72, 5184 का स्क्वायर रूट हो गया 72। ओके, नाउ सी पार्ट, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 9025, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 5 × 2 = 7, 9 = 16 नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, मैं देखा 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 × 1 = 5 = 4, 5 × 8 = 19 ना जाने की जैसे बोलते हैं ना, 5 × 9 = 25, फिर अगेन 5 से 5 × 3 = 15 कैरी 3 × 3 = 0, 30, तो 5 × 6 = 30, 5 × 5। ओके, अब सोचिए किससे जाएगा, अब होना क्या, बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन हमें मालूम है 9025 होता है 95 का स्क्वायर रूट, 90 इसमें जब ग्रुप बनाते हैं तो 5 बाहर आ जाएगा, 19 और चाहिए, यानी कि 19 से जा रहा होगा, प्राइम नंबर है, इसलिए स्क्वायर रूट जितने याद है वो फायदा, वरना सोचना पड़ेगा आपको, 99 × 361 होते हैं, अगेन 19 टाइम्स जाएगा, 19 से 1 टाइम्स, तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट्स ऑफ 9025 आ गया 5 × 5 × 19 × 19,
और हमने ग्रुप बनाए, पेयर बनाए टू टू के, और एक पेयर बाहर आ जाएगा, फाइव बाहर आ गया और 19, तो 19 5, यानी कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 9025 इज इक्वल 95। नाउ लास्ट पार्ट, डी पार्ट, 22,500 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जीरो ईवी नंबर टू से चला जाएगा, टू वन जा टू, वन जा टू, टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, जीरो अगेन डिवाइडेड बाई टू, टू फाइव जा टेन कैरी वन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, टू फाइव जा। अब थ्री से है कि देख लें, फाइव फाइव टेन, सिक्स टू एट, एटीन थ्री से चला जाएगा, थ्री वन जा थ्री कैरी टू, टू सिक्स ट्वेंटी, टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स हो गया, तो थ्री से कितना जाएगा, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, अगेन टू ट्वेंटी टू, थ्री सेवन जा और थ्री फाइव जा, थ्री आगे तो एक बार और आएगा ही आएगा, 100% आ गई, थ्री से दे दो, थ्री सिक्स जा एट्टीन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फाइव से जाएगा, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, अगेन फाइव से, फाइव फाइव जा और फाइव से, ये वन टाइम्स, तो टू टू टाइम्स, थ्री टू टाइम्स और फाइव फोर टाइम्स आ रहा है। तो क्या हुआ इसका स्क्वायर रूट, लिख देते हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ 22,500 इज टू आ रहा था टू टाइम्स, तो टू इंटू टू, थ्री आ रहा है टू टाइम्स और फाइव आ रहा है फोर टाइम्स, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव। ग्रुप बनाओ टू का, टू सेम प्राइम फैक्टर के ग्रुप बनाए, चार ग्रुप बने, एक टू का, एक थ्री का, टू फाइव का, तो टू के ग्रुप में से एक टू बाहर आ जाएगा, थ्री के ग्रुप में से एक थ्री बाहर आएगा, फाइव के ग्रुप में से एक फाइव और दूसरे फाइव के ग्रुप में से एक फाइव, तो कितना हुआ, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव टू जा टेन, फिफ्टीन में टेन से मल्टीपल करेंगे 150, तो स्क्वायर रूट्स ऑफ 22,500 इज 150। तो 30 मिनट से अब वीडियो की लंबी वीडियो हो गया, आज के वीडियो में हम इतनी क्वेश्चन करेंगे 1, 2, 3, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और एक रिक्वेस्ट थी, मेरा एक नया चैनल और है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हो सके तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।